हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने से पहले एक और फार्मूला रिवीजन करते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का क्या होता है फार्मूला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय सेल्स इनटू 100, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या होता है प्रॉफिट आफ्टर नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला, दूसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये ऑपरेटिंग नेचर का। EBIT 1 माइनस टैक्स बाय सेल्स इंटू 100, ये दूसरा हो गया फॉर्मूला। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, रिटर्न ऑन एसेट। तो रिटर्न ऑन एसेट का क्या होगा, EBIT 1 माइनस टैक्स बाय एसेट्स, ये हो गया रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, एसेट टर्नओवर। एसेट्स टर्नओवर, तो एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स बाय एसेट, तो एसेट टर्नओवर का सेल्स बाय एसेट आ गया। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी वाले को क्या मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसी को क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। तो ये हो गया हम लोग का कितना फार्मूला हो गया, 6 फार्मूला। एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। फर्स्ट में क्या था, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय सेल्स, या EBIT 1 माइनस टैक्स बाय सेल्स इंटू 100, फिर रिटर्न ऑन एसेट क्या था, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एसेट्स। फिर एसेट टर्नओवर सेल्स बाय एसेट, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो इसी के साथ ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या में चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, एक्स कंपनी हैज़ मेड अ प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल एम्प्लॉय टोटल एसेट ऑफ रुपीज़ 8 लाख। तो कंपनी के पास टोटल एसेट कितना है, 8 लाख का। 50% ऑफ द एसेट बीइंग फाइनेंस्ड बाय बोरोड कैपिटल एट अ इंटरेस्ट ऑफ 8%। तो 8 लाख का 50% क्या चीज़ है, फाइनेंस बाय बोरोड कैपिटल है, मतलब 8% क्या, 50% क्या हो गया, डेब्ट हो गया, 50% शेयर हो जाएगा, इक्विटी शेयर हो जाएगा। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 4,80,000 एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस आर एस्टिमेटेड एट 80,000। तो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस कितना दे रखा है, 4,80,000, और अदर एक्सपेंसेस कितना दे रखा हुआ है, 80,000। द गुड्स विल बी सोल्ड टू द कस्टमर एट 150% ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट कितना दे रखा है, 4,50,000, इसका 150 क्या हो जाएगा हम लोग का, सेल्स हो जाएगा। आगे क्या है, टैक्स रेट इज एज्यूम टू बी 50%। टैक्स रेट हम लोग को एज्यूम कितना करना है, 50%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट का 2 फॉर्मूला था, एक था अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स, दूसरा क्या हो गया, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। फिर रिटर्न ऑन एसेट का क्या था फॉर्मूला, EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय एसेट्स। फिर एसेट टर्नओवर का क्या था, एसेट टर्नओवर का सेल्स बाय एसेट। फिर रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी क्या था, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। तो इस तरह से हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ये निकालना स्टार्ट करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स डायरेक्ट कॉस्ट कितना दे रखा हुआ, 4,80,000, तो 4,80,000 का 150% दे रखा हुआ है सेल्स, तो 4,80,000 का 150%, तो ये कितना हो जा रहा है, 4,80,000 इंटू 150%, तो ये कितना आ गया, 7,20,000, ये कितना आ गया, 7,20,000 सेल्स। माइनस क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट, कितना दे रखा हुआ था सम्स में, 4,80,000, तो माइनस 4,80,000, तो ये कितना आ गया, 2,40,000। ये क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे दे रखा क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 80,000 का। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा? ईबीआईटी। तो 2,40,000 माइनस 80,000, तो ये कितना आ गया? 1,60,000। 1,00,000 कितना आ गया? 60,000। हम लोग को ईबीआईटी माइनस क्या कर देंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो 8,00,000 हम लोग का क्या था? टोटल कैपिटल था, उसमें 50% हम लोग क्या किए थे? बोरोड कैपिटल। तो 8,00,000 का 50% ही डेप्ट होगा। और इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा था इसका? 8%। इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा था? 8%। तो 8,00,000 का 50% सबसे पहले, तो 4,00,000 आ गया। और 4,00,000 का 8% क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 32,000। ये कितना आ गया? 1,28,000। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। माइनस टैक्स एट द रेट कितना परसेंट था? 50% दे रखा हुआ है, तो 50% टैक्स कितना हो गया? 64,000। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 64,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? 64,000। अब जो जो हम लोग को निकालना था वो निकालेंगे। सबसे पहले क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। फर्स्ट नंबर में क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला था अर्निंग आफ्टर टैक्स बाय सेल्स इंटू 100। तो इस टाइम में कितना आ जाएगा? 64,000 डिवाइड बाय सेल्स कितना दे रखा हुआ? 7,20,000 इंटू 100। तो 64,000 डिवाइड बाय 7,20,000 इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 8.88%। 8.88%। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया? नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेक्स्ट में क्या है? इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता था नेट प्रॉफिट मार्जिन का। क्या होता था नेट प्रॉफिट मार्जिन का दूसरा फॉर्मूला? ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स। ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय सेल्स। तो ईबीआईटी हम लोग का कितना दे रखा हुआ है? ईबीआईटी 1,60,000 दे रखा हुआ है, तो 1,60,000 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना परसेंट? 50% डिवाइड बाय सेल्स कितना? 7,20,000। तो ये कितना आ गया? 1,60,000 तो डिवाइड बाय 7,20,000, तो ये हम लोग का कितना परसेंट आ गया? 11.11%। ये कितना आ गया? 11.11%। हम लोग का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया। अब नेक्स्ट में क्या निकालना था? रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता था? EBIT 1 माइनस टैक्स। EBIT 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट। तो EBIT हम लोग का कितना दे रखा? 1,60,000 1 माइनस टैक्स 0.5 आ गया। टोटल लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होगा? टोटल एसेट। टोटल लाइबिलिटी हम लोग का कितना टोटल दे रखा हुआ है? 8,00,000। टोटल में लाइबिलिटी का टोटल कितना दे रखा हुआ? 1,00,000। तो एसेट भी कितना हो जाएगा? 8,00,000। टोटल लाइबिलिटी का टोटल 8,00,000 दे रखा हुआ है। हम लोग का 8,00,000 दे रखा हुआ है ना, टोटल एसेट का दे रखा हुआ 8,00,000। तो टोटल एसेट तो 1,00,000 है ही, तो क्या प्रॉब्लम है? हमको लगा था कि वहाँ पे लाइबिलिटी का दे रखा हुआ है 80,000। तो ये कितना परसेंट आ गया? 10%। ये कितना परसेंट आ गया? एसेट रिटर्न ऑन एसेट 10%। नेक्स्ट क्या है? एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या है? एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? सेल्स बाय एसेट्स। सेल्स बाय एसेट। सेल्स कितना दे रखा हुआ है सम्स में? 7,20,000 डिवाइड बाय एसेट कितना है? 8,00,000। तो ये कितना टाइम्स आ जाएगा? 7,20,000 डिवाइड बाय 8,00,000। तो ये कितना टाइम्स आ गया? 0.9 टाइम्स। ये हो गया। अब लास्ट में हम लोग को क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट में क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता था? अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा हुआ था? 64,000 डिवाइड बाय इक्विटी कितना आ जाएगा? टोटल एसेट तो 8 लाख है, उसमें से 50% फाइनेंस बाय बोरोड कैपिटल था, तो बाकी 50% क्या आ जाएगा इक्विटी। तो कितना हो जाएगा 64,000 डिवाइड बाय 4 लाख, ये आ गया 16%। कितना आ गया 16%। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है।